नमस्कार प्रवासियों के देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे लौकी का टेस्टी रायता, जो झटपट बन जाता है और खाने में टेस्टी होता है और पाचक भी होता है। प्रवासियों की देसी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे ये होगा जो भी रेसिपी बनाऊंगी आपको तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं लौकी का रायता। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम दही, मैंने दही को फेट करके रख लिया है, और 250 ग्राम लौकी है, मैंने लौकी को छीलकर और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे, फिर मैंने इसके अंदर आधा कप पानी डालकर और एक सीटी आने तक उबाल लिया था। और लौकी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। एक चम्मच हमने घी लिया है, देसी घी, दो पिंच हींग, एक चौथाई चम्मच खड़ा जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच सादा नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, एक छोटा चम्मच हरी धनिया कटी हुई, जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा रायता पसंद है। तो रायता बनाना शुरू करेंगे। लौकी को हल्का सा फोड़ देंगे चम्मच से, बहुत ज्यादा हमें नहीं मिक्स करना है। मैंने लौकी को छोटे छोटे टुकड़े में काटा है, आप चाहें तो इसे ग्रेट करके और उबाल कर भी इसका रायता बना सकते हैं। दही के अंदर हम इसे डाल देंगे। इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, पत्ते भी डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसके अंदर भुना और पिसा हुआ जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च। सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे, इससे और टेस्टी बन जाएगा। और तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन लिया है, इसे मैंने गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक घी के अंदर भून लेंगे। और जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर हींग डाल देंगे, गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे, इसे मिला देंगे, हींग भी हल्की सी भून जाएगी, अंदर बहुत ज्यादा खुशबू आने लगेगी। अब इसके अंदर हम तड़का लगा देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। के ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई। और हमारे लौकी का रायता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी है, आप इसे गर्मी के मौसम में रोज बनाइए, खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है और पाचक भी होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।